su mujer. कस्बे हलाल के लिए एक मौसर और जो है बेहतरीन तगदो करने वाले को के लिए हमारे दीन ने भी शरीयत ने भी उसकी जो है हौसला अफजाई की है, उसको बेहतरीन इंसान करार दिया है जो अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए एक हलाल रिज़्क़ की तगदो करता है, एक जो है बेहतरीन रिज़्क़ की तगदो करता है और उसकी सही करता है। तो आज के इस वक्त में स्पेशली हम जब देखते हैं कि आज के इस दौर को शायद हर शख्स ये महसूस करता है कि ये बहरानों का दौर है, ये मसाइल का दौर है, तो इन बहरानों में सबसे बड़ा बहरान यकीनी तौर पर मौशी बहरान अपनी जगह, लेकिन तवानाई का बहरान सबसे बड़ा बहरान है जिससे हर कोई दो चार है। खूसन इस दफ़ा मौसम सरमा में भी जितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हुई और तवानाई के बहरान से हर शख्स जितनी बुरी तरह मुतासर हुआ, वो मेरे ख्याल है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आप हम सब इससे मुतासर रहे हैं। तो आज यहाँ पर जो आगाज़ हुआ है वो ओवरऑल एनर्जी सोल्यूशन हैं इनके पास सारे, और एनर्जी सोल्यूशन के हवाले से यहाँ हम बात करेंगे शफीक कम्बो साहब से भी और दीगर अहबाब से भी। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इसके इस जो कारोबारी सिलसिले को शुरू करने के पीछे उनकी सोच क्या थी, क्यों उन्होंने शुरू किया, क्या उनका मकसद है, आम आदमी को कितना रिलीफ देना चाहेंगे, तजारती सरगर्मी को फ़रोग देने के लिए उनके पास क्या प्लान है, आइए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बशारत। मैं उनसे यकीनी तौर पर पूछना चाहूँगा कि एनर्जी सोल्यूशन के पीछे इनकी क्या सोच कार फरमा है और वो इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं, इस कारोबारी सिलसिले के पीछे क्या इनके पास कोई ख़ास प्लान मौजूद है। जी बशारत भाई, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। असल में मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए नज़र रखते हुए आपको पता है कि लोड शेडिंग का बुरान काफ़ी ज़्यादा है, तो बस उसी सिलसिले में एक नया सेटअप कोशिश कर रहे हैं कि सोलर वगैरह और बैटरीज वगैरह यूपीएस वगैरह जो ऑलरेडी चल रहा है उसको अच्छे तरीके से कुछ लॉन्च किया जाए, कोई नया सेटअप बनाया जाए कि इस लाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी का बुरान है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो इंशाल्लाह जो हम नई शॉप ओपन की है कोशिश करेंगे इसमें बैटरी यूपीएस के और सारे रेट्स वगैरह अच्छे हों, होलसेल के हिसाब से हों, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मुल्क कायम रहे और मुल्क कायम है तो हम कायम है इंशाल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم آپ سادوں آرے پڑھو درود اج سرکار آگئے پیار आज
जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक अजीम समाजी शख्सियत और सियासी मैदान के अलावा समाजी मैदान में भी इनकी एक अपनी शनाख्त है, मेंबर कैंट बोर्ड हाजी ज़फ़र इकबाल। इनसे जानते हैं कि तजारती मरकज़ का आज इफ्तिताह है, तो इस मौके पे क्या पैगाम देंगे अपने आवाम को, कारकुनों को, अपने चाहने वालों को। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजारत तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इसका आगाज़ किया, और ऐसा आगाज़ किया कि उन्होंने बड़े नकूस छोड़े। उसके बाद मुख्तलिफ अंदाज में तजारत की जाती है, हर एक दौर की अपने अपने अंदाज में तजारत होती है। तो ये जो इन्होंने बैटरीज़ का कारोबार शुरू किया है, तो इस वक्त इस इलाके के अंदर और मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर जो बिजली के मामलात हैं उसमें यूपीएस की अच्छी ज़रूरत होती है। आम छोटे घरों में तो यूपीएस बड़े आसानी से चल जाता है, और इसके लिए बड़ी ये सूदबंद साबित होती है, और बिलखसूस गाड़ियों के साथ। तो ये जो कंपनीज़ हैं, बहुत अवत ऐसी भी बैटरीज आ जाती हैं कि आपने लंबा सफ़र करना है, तो लंबे सफ़र के अंदर भी वो अगर बैटरी अच्छी ना हो गाड़ी के अंदर तो इंसान धोखा खा जाता है। ऐसे ही तो ये जो कंपनीज़ हैं, कंपनी बहुत पुरानी हैं, ये तो ये पुरितमाद कंपनी है। तो अल्लाह ताला की ज़ात इनकी कारोबार में बरकत डाले, और मुझे उम्मीद है मैं ये जो बच्चे हैं सारे बड़े अरसे से हमारे साथ मिलाद के सिलसिले में चल रहे हैं, लेकिन अभी ये इस कारोबार के सिलसिले में आए तो वो भी इसी तरह ही कारोबार करेंगे कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था उसको सामने रखते हुए अपना मुनाफा भी कमाएंगे और अच्छी चीज़ मुहैया करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी बहुत खूबसूरत पैगाम दिया हाजी साहब ने कि चीज़ें हमेशा वही देर पर चलती हैं, जैसा हाजी साहब हमेशा अपने इलाके के लोगों के लिए मौजूद रहते हैं, एक बातमात साथी की तरह, एक बातमात दोस्त की तरह, एक बातमात भाई की तरह। इसी तरह उनका भी खूबसूरत पैगाम ये है कि हम जब कारोबार कर रहे हैं अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम रिस्के हलाल कमाएँगे और लोगों को वो चीज़ पेश करेंगे जो उन्हें देर पा उस चीज़ का हल दे, बिजली का बहरान हो या कोई भी उनकी दीगर ज़रूरत वो ने पूरे करेगी। वो आपकी दुआओं की ज़रूरत रहेगी और आपका साथ भी ज़रूरत रहेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शफीक कंबो जो सीईओ हैं एनर्जी सॉल्यूशंस के। उनसे जानते हैं कि इस कारोबार के शुरू करने के पीछे क्या उनके जहन में आइडिया था, क्या सोच थी जो उन्होंने यहाँ पे इस अहम तजारती मरकज़ के अंदर एनर्जी सॉल्यूशंस का आगाज़ किया, और ऐसे वक्त में किया जब तवानाई बहरान जो है वो उरूज पर है। जी शफीक साहब, असल में सुलभ बात ये है कि आने वाला जो वक्त है ना, इस टाइम पूरी दुनिया का एनर्जी क्राइसिस में है। ऐसा ही है, एनर्जी हमारे पूरी दुनिया में इस टाइम वेदर का देख लें, डिफरेंट चेंज हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, पूरी दुनिया में रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद आप इसी वजह से एनर्जी सॉल्यूशन, हमने ये एक शॉप डाली है एनर्जी सॉल्यूशन के लिए कि लोगों को एक थोड़ा सा आसान, जिनकी लाइट ना जाए आसान, वो उनके अंदर दे सकें कि यार इजीली लाइटिंग के अंदर वो रह सकें, तो इसलिए ये दुकान डाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सिर्फ अपनी आवाम को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना इम्पोर्टेड चीज़ों को छोड़ें, हम यहाँ लोकल यूपीएस बना रहे हैं, आप लोकल को तरजीह दें। वो इस वजह से कि लोकल जब आप हम अपनी प्रोडक्ट को तरजीह देंगे तो उससे ये होगा कि हमारा डॉलर जो है ना हमें परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, डॉलर की खपत ख़त्म करें, अपने लोकल पे आएँ, लोकल से आप स्टार्ट करें, अपने पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोकल प्रोडक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा, इससे यह कि हमारा जो पैसा है जो डी वैल्यू हो रहा है वो कम से कम उसको तो उठाएं ना यार, हम बीन पाकिस्तानी हम अपने पैसों को तो कम से कम उठा सकते हैं ना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत मैसेज का। आज हम अगर अपनी मईशत को सहारा देना चाहते हैं तो उसके लिए मुल्की जो है हमें चीज़ों पर भरोसा करना होगा, बी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी का जो स्लोगन है उसे फ़रोग देना होगा। और बड़ा ही खूबसूरत मैसेज कि हम अपनी जो मसनूआत हैं उन पर क्यों नहीं इन्हेंसार कर सकते, अगर हमारी मसनूआत इतनी बेहतरीन है जिन पर आप रिलाई कर सकते हैं, और काबिल एतमाद मसनूआत है जो एनर्जी बहरान है या दीगर आपकी ज़रूरियात, अगर वो आपकी ज़रूरियात बेहतरीन और एहसन अंदाज में पूरी करती हैं तो यकीनी तौर पर आपको उन्हें साथ लेके चलना होगा, और ऐसे इदारों की, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी होगी जो लोगों के लिए एक कदम आगे बढ़ के आते हैं और उनके लिए मजीद रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देते हैं। न्यूज़ वॉच को और सुहेल सिद्दीक अंसारी को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा हम सबका अल्लाह ने ज़िबान। थैंक यू वेरी मच।